किसी ना किसी चीज से मोटिवेट होना पड़ेगा ना। ये सब चालाक औरत माँ जी। यू टू बेटा, वैसे सच बात बताऊं तो मुझे इस बात में ज्यादा गुस्सा आता है, तुम जैसी बहुए बॉन ठोन के मेकअप चेकअप करके घूमती हो एकदम स्मार्ट मोबाइल की तरह, और हम वही पुराने मोबाइल लैक नई बॉडी दिल वाले लेकिन पीछा सर पुराने। अभी क्या करें माँ जी, आपके चेहरे पे झुर्रिया इतनी ज्यादा है कि इस उम्र में मेकअप से ज्यादा मुफलाना शोभा देता है। ओ, आपकी झुर्रियों से याद आया, आपकी चाय में मलाई जम गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। मौका मिलते ही बराबर बेइज्जत कर ही लेती है ये। ये लीजिए माँ जी वो चाय जिसमें आपको 10 बुराइयां निकाली है वो बिना टेस्ट किए। चाय तो बड़ी टेस्टी है लेकिन सास वाली बात कर ही लेने दी तू। छी, इतनी गंदी चाय, उससे तो अच्छा मैं डॉगी के बर्तन का पानी पी लेती। पर माँ जी उसी पानी से बनाई है चाय। यू आर सो चालाक औरत बहू। यू टू माँ जी, आई प्राउड ऑफ यू बेटा। इतनी जवान चला लेती है जैसे लगता है कि जवान के नीचे घोड़े के पैरों के नाल टिकवा रखी है। थकती ही नहीं। अब ऐसा मत बोलिए ना माँ जी, तो प्राउड फील हो जाएगा ना मुझे, आखिर आपकी जुबान से संस्कार लिया इस जुबान ने भी। यही सुनना बाकी रह गया था मुझे इस घर में दिल्लच कही कि आखिर आपको मुझे शिकायत क्या रहती है माँ जी। शिकायत ना रहे तुझसे, तू मेरी बर्थडे से निकाल के क्लिप बना लेती है। आप भी तो मेरी नेल पॉलिश चुरा लेती है। हाँ तुम मेरा मन नहीं करता क्या, मेरे कोई अरमान नहीं है क्या, मैं बन टन के नहीं रह सकती। वो तो ठीक है माँ जी, बालों में नेल पॉलिश कौन लगाता है। नेल पॉलिश ना लग गया बूट पॉलिश लगा बालों में। एक बात ना सुनती मेरी। ऐसे कैसे नहीं सुनती माँ जी, उस दिन आपने कहा था खीर खिला दे, मैंने नहीं खिलाई। हाय हाय वो खीर की बात तो मैं भूल गई, चावल खिला के ऊपर से दूध पिला के मुझे हिला दिया था और कहने लगी खीर कैसी लगी माँ जी। तो आप ऐसे सब्जी को ऐसी लस्सी पिलाती थी ना, एक ज्यादा हिला दिया उनका रायता फैल गया रो निकल लिए। बेटी बना के रखा इसे लेकिन इसने कभी इज्जत ना दी। पर बस माँ जी बस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपसे इतना प्यार न करती तो आपकी तस्वीर भी हार न चढ़ाती। तेरा ऑनेस्ट क्यों नहीं माँ जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं।